हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल कटोज किचन में, वे वी कुक विद लव, और जहां बनती हैं हेल्दी और टेस्टी रेसिपीज। तो कटोज किचन में आज मैं आपके लिए लेके आया हूं आम की चटनी की रेसिपी। यहां हम बनाएंगे दो तरह की चटनी, जिसके लिए सबसे पहले मैंने यहां लगभग आधा किलो के करीब आम ले लिए हैं। सबसे पहले इसके पीछे वाले पोर्शन में जो डंठल है उसको हम कट कर लेंगे। सभी आमों में से हमें डंठल को अलग से कट करके रख लेना है। फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, वीडियो को स्किप ना करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह के हमारे अपकमिंग वीडियोस जो हैं आप तक पहुंच सकें। आम के डंठल को कट करने के बाद एक पीलर की हेल्प से हम इसके छिलकों को भी अच्छे से उतार लेंगे। चेक कर लें कि इसमें किसी तरह के छिलके का जो डार्क ग्रीन पोर्शन होता है वो नहीं रहना चाहिए। इसी तरह मैंने सभी आमों के छिलकों को पीलर की हेल्प से अच्छे से उतार लिया है। नेक्स्ट, अब हमें इन आमों को कट कर लेना है। आमों की जो है हम चटनी बना रहे हैं, तो इसके लिए आम को हमें किसी पर्टिकुलर फॉर्म में कट करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसे छोटे छोटे पीसेस में ऐसे ही कट कर लेंगे। अभी जो आम आ रहे हैं उनकी गुठली जो है काफ़ी हार्ड हो चुकी है। अभी जो गुठलियाँ हैं पहले की तरह सॉफ्ट नहीं हैं। अगर आपके आम सॉफ्ट हैं, उनकी गुठलियाँ सॉफ्ट हैं, तो गुठलियों को आप चाकू से ईजीली निकाल सकते हैं। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं जो गुठली है काफ़ी हार्ड हो चुकी है, तो इसे कुछ इस तरह से आपको चाकू के हेल्प से घिसते हुए निकालना पड़ेगा। तो इस तरह से आप अच्छे से आम को कट कर लें। इसी तरह से जो बाकी के हमारे आम हैं उन्हें भी हम कट कर लेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। कुछ इस तरह से पहले आम को मैंने अच्छे से कट कर लिया है, इसी तरह से बाकी के आमों को भी मैंने कट कर लिया है। तो अब चलते हैं पहली चटनी की ओर। पहली जो चटनी है वो है नॉर्थन इंडिया से। हिमाचल और जम्मू के जो डोगरा ट्राइब के लोग होते हैं वो इस चटनी को बनाते हैं, और इसे आम का छच्छा कहा जाता है। तो इसके लिए यहाँ मैंने एक प्याज लिया है जिसे मैं कुछ इस तरह से कट कर लूँगा। प्याज को हमें अच्छे से इस तरह से रफली चॉप कर लेना है। आम जो होते हैं गर्मियों के सीज़न में हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, इसलिए आप गर्मियों के सीज़न में आम पन्ना, आम के इस तरह की चटनी ज़रूर बनाएँ। तो इसको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे मिक्सी जार में। तो यहाँ मैंने एक प्याज बारीक कट करके मिक्सी जार में ऐड कर दिया है। साथ ही इसके मैंने तीन हरी मिर्च यहाँ ऐड कर दी हैं। उसके बाद जो हमने आम कट किए थे उसमें से आधे आम हम इस चटनी के लिए यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ मैंने जार में आम कट करके ऐड कर लिए हैं। साथ में हम ऐड कर देंगे हरा पुदीना। इसी के साथ हम इसको मिक्सी में चला लेंगे। साथ में ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी ताकि जो चटनी है वो ईजिली बन सके। अब इसको हम चला लेते हैं मिक्सी में। तो मिक्सी में चलाने के बाद आप देख सकते हैं हमारी चटनी जो है तैयार हो चुकी है। जार जो पहले इतना फुल था वो अब आधा रह गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे बेसिक मसाले, जैसे कि नमक, जीरा पाउडर, मेथी पाउडर और काला नमक। इसके साथ ही हम इन मसालों के फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर ऐड करेंगे लगभग आधे चम्मच के करीब चीनी। इनको हमने फिर से मिक्सी में चला लिया है, और आप देख सकते हैं हमारी जो चटनी है बनके तैयार हो चुकी है, और इसका टेक्सचर देख सकते हैं आप। अब हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे एक सर्विंग बाउल में। तो ये थी हमारी पहली चटनी, जिसको नॉर्थन इंडिया में आम का छच्छा के नाम से जाना जाता है। तो हम जार में से सारी चटनी निकाल कर सर्विंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। आप में से जिन लोगों के घर पर भी ये चटनी बनती है हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर मैंशन कीजिएगा, और जिनके घर पे ये चटनी नहीं बनती है वो भी एक बार इस चटनी को जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं दूसरी चटनी की प्रिपरेशन की ओर। दूसरी आम की जो चटनी बनाएंगे वो होगी साउथ इंडियन स्टाइल में। यहाँ पे मैंने चार साबुत मिर्च यहाँ एक कटोरी में ले ली हैं। इसके ऊपर हम थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर देंगे और इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे लगभग 15-20 मिनट के लिए। तो 15-20 मिनट रेस्ट देने के बाद आप देख सकते हैं हमारी जो मिर्च है वो पहले से काफ़ी फूल चुकी है। इन मिर्चों को हम पानी में से निकालकर एक मिक्सी जार में ट्रांसफर कर लेंगे। इसके साथ ही हम यहां ऐड करेंगे 5-6 लहसुन। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो इसको स्किप कर सकते हैं। साथ ही में जो हमारे आधे बचे हुए आम थे वो भी हम इसमें ट्रांसफर कर देंगे। इनका भी हम मिक्सी में एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। तो मिक्सी में चलाने के बाद आप देख सकते हैं इसका हमने स्मूथ पेस्ट बना लिया है। अब हम इसे लगाएंगे तड़का। तो तड़का लगाने के लिए यहाँ मैंने ले ली है लोहे की कढ़ाई। इसमें लगभग 2 बड़े चम्मच के करीब मैंने सरसों का तेल ऐड कर दिया है। साथ ही ऐड कर दिया है साबुत जीरा,
इसके साथ ही मैं ऐड कर दूंगा थोड़े से मस्टर्ड सीड। इस चटनी का जो असली मज़ा है वो मस्टर्ड ऑयल में ही आता है। अगर आप किसी और कुकिंग ऑयल को यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट बेस्ट रिजल्ट के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सरसों के तेल का ही इस्तेमाल करें। तो हमारे साबुत जीरा और मस्टर्ड सीड जो है चटक चुके हैं। इस स्टेज पर जो हमने पेस्ट बनाया था उसको हम कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लेंगे। गैस का फ्लेम जो है आपको लो ही रखना है, लो फ्लेम पर ही आपकी जो चटनी है वो अच्छे से बन पाएगी। इसे हम अच्छे से चला लेंगे। अगर किसी तरह के जो लहसुन के पीसेस हैं या मिर्च के पीसेस हैं जो जिनके चंक्स रह गए हैं तो आप उनको हल्का सा यहाँ पे कढ़ाई में मैश कर लें। तो इन्हें हम अच्छे से चला लेंगे। आप देख सकते हैं इसमें से ऑयल जो है रिलीज़ होना स्टार्ट हो चुका है। तो इस स्टेज पर मैं ऐड कर दूंगा मसाले। मसालों में यहाँ मैंने लिया है नमक, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, मेथी पाउडर, साथ में कलर के लिए मैं यहाँ यूज़ करूँगा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इन्हें हम अच्छे से चला लेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च जो है इसमें काफ़ी अच्छा कलर देगी और सभी फ्लेवर्स को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ थोड़ी सी चीनी ऐड कर देंगे। चीनी डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं चाहते हैं तो ना डालें। इसे अच्छे से चला लेंगे। हल्का सा इसमें ऑयल रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाए तो इसका मतलब है कि आपकी चटनी जो है बन के बिल्कुल तैयार है। तो आप देख सकते हैं ऑयल जो है इसमें से सेपरेट हो चुका है। अब हम इसे एक सर्विंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसी के साथ जो हमारे साउथ इंडियन स्टाइल आम की चटनी है वो भी बनकर तैयार हो चुकी है। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी और आप इसे भी अपने घर पर ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर आपके घर में ये चटनी ऑलरेडी बनती है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर मेंशन कीजिएगा। आई होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।